अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। गड़बड़ नहीं है, इसे कहते हैं डीप क्लोनिंग। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसमें ए वन एंड बी, उसके अंदर एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट है बेसिकली, ठीक है। लेट्स क्रिएट शेलो ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट बनाया और स्प्रेड ऑपरेटर यूज करके ये यूज कर दिया। अब अगर मैं शेलो ऑब्जेक्ट जो न्यू वाला है .a क्या होगा, ये वाला, ठीक है, इसकी वैल्यू कर देता हूँ न्यू। एंड एक और चेंज करते हैं, शेलो ऑब्जेक्ट .b.c क्या होगा, b इसके अंदर c, उसको चेंज कर देता हूँ, दिस इज न्यू। एंड अब अगर मैं दोनों को लॉक करूंगा, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को एंड शेलो ऑब्जेक्ट को, तो आउटपुट क्या आएगा हमारे पास, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में क्या है 1, शेलो वाले में क्या है बी, एंड सी के अंदर वाला चेंज हो गया, फर्स्ट वाले के अंदर ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज हो गया। बट हमने तो कहीं किया ही नहीं, ये है शेलो क्लोनिंग। क्योंकि इसने क्या किया, जब हमने क्लोन बनाया ना, तो इसने बाहर वाला तो न्यू बना दिया, ये देखो ए दोनों में डिफरेंट है अभी तक, बट अंदर वाला जो है उसको सेम ही रखा, तो नीचे वाले में जब भी चेंज किया उसने ऊपर वाले में भी चेंज कर दिया, ये था शेलो क्लोन। अब बनाते हैं डीप क्लोन। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, json.stringify किसको करना है, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको क्या करना है, json.parse उसके अंदर stringify उसके अंदर ऑब्जेक्ट। अब मैं क्या कर रहा हूं, डीप ऑब्जेक्ट जो सेकंड वाला ऑब्जेक्ट है उसका ए को न्यू कर दिया और b.c को न्यू कर दिया, और प्रिंट हम करेंगे ओरिजिनल एंड डीप ऑब्जेक्ट। अभी देखो, अभी जो पहले वाला है वो एज इट इज पड़ा है, उसको नहीं छेड़ा इसने, क्योंकि डीप क्लोन हुआ है, और जो सेकंड वाला है उसमें चेंजेस कर दिए। इन शॉर्ट, डीप क्लोन ने सारा का सारा एंटायर न्यू ऑब्जेक्ट बना दिया। चेलो वाले ने क्या किया, बाहर जो था मेन ऑब्जेक्ट उसको तो न्यू बना दिया, जो अंदर नेस्टेड था वो एज इट इज रखा। ऑल सेट।